नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आदिवासी महिलाओं के साथ वसई पुलिस स्टेशन में मारपीट किए जाने की घटना से क्षेत्र में मचा बवाल। मारपीट करने वाले पुरुष पुलिसकर्मी को निलंबित किए जाने की उठी मांग। मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले वसई पुलिस स्टेशन से बीते दिनों सामने आई एक घटना ने पुलिस प्रशासन को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल मामला है, वसई क्षेत्र में शुक्रवार 19 नवंबर को काम के तलाश में दूर दराज के गांव कावड़ा से वसई आई कुछ आदिवासी महिलाएं, जिनका नाम बेबी बावरे, दीपिका बावरे, विमला पुंजारा, सोनम भोईर, सीता भोईर, तारू डोकफोड़े बताया गया है। इन सभी महिलाओं को किसी तरह का काम नहीं मिला, तब वह महिलाएं पापड़ी क्षेत्र में लगने वाले शुक्रवार साप्ताहिक बाजार में कुछ खरीदी करने गई थी। इसी दौरान इन महिलाओं को चोरी की वारदात में संलिप्त होने के संदेह में एक पुलिसकर्मी द्वारा पकड़कर वसई पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उन महिलाओं से पूछताछ के नाम पर पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट की गई। ऐसा आरोप लाल बावटा मार्क्सवादी लेनिन पार्टी के पदाधिकारी शेरू वाग एवं अरुणा मोकड़े के साथ आदिवासी समाज के लोगों ने लगाया। आपको बता दें, पीड़ित महिलाओं ने खुद मीडिया के सामने ही ऐसे आरोप वसई पुलिस स्टेशन में कार्यरत पुलिस अधिकारी पर लगाए हैं। इस घटना के बाद लाल बावटा के पदाधिकारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर मामले की जांच करते हुए दोषी पुलिसकर्मी को निलंबित किए जाने की मांग भी की है। इस मामले में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। ये दुसरे राहतात शेतात तिथे त्या पावसाळ्याचे जो तिकडे शेत आहे ना खाली, मी तिथे झोपडी अच्छा म्हणजे महिलांनी नाही मारला, त्यांचं काय नाव वगैरे माहिती आहे? नाही नाही, नाव आता यांनाच माहिती असेल, आम्हाला नाही माहिती। तिथे नेऊन थांबवलं, लगेच दरवाजा उघडला, आतमध्ये टाकला, लगेच कडी लावली आणि लगेच दांडुकच काढला आणि मारायलाच घेतला। मारायला पोलीस अधिकारी महिला होत्या की फक्त जेंट्स होते? जेंट्स बोलले का तुम्ही? सांगा, साईडला साईडला आम्ही साईडला झालो सगळ्या जणी, साईडला होता होता लगेच पाकिटा मारायला येतात आणि त्यांनी लगेच जसं ढकलून ढकलून रिक्षात बसवलं, लगेच सांगतो रिक्षावाल्याला पोलीस। पालघर जिल्ह्यामध्ये काही आदिवासी महिला या त्यांच्या कामासाठी परतून येत असताना त्यांना चोर समजून पोलिसांनी त्यांना डांबून ठेवलं। ही घटना मध्ये बरंचसं तथ्य आहे, नव्हे 100% सत्य आहे। या संदर्भामध्ये मी स्वतः आमच्या कार्यालयाच्या मार्फत संपूर्णपणाने माहिती घेऊन पोलिसांनी याच्याबद्दलचं योग्य ते उपाययोजना करावी। ज्या लोकांनी या पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांच्याबद्दल चुकीची आणि खोटी तक्रार दिली त्यांच्याही संदर्भात जरूर माहिती घ्यावी की कशाच्या आधारे यांनी आदिवासी महिलांना अशा पद्धतीने डांबून ठेवलेलं आहे। पालघरचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्री दत्ता शिंदे यांच्याशी आम्ही बोललेलो आहोत, त्याचबरोबर कोकणचे IG श्री मोहिते यांच्याही मी सातत्यानेच महिलांवरच्या अत्याचाराच्या संदर्भात कायम संपर्कामध्ये असते। तर या आदिवासी भगिनींना न्याय मिळाला पाहिजे, जे जबाबदार आहेत त्यांना शासन झालं पाहिजे, याबद्दल मी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आमदार दिलीप वळसे पाटील आणि पोलीस IG यांच्याकडे निवेदन देऊन पाठपुरावा करत आहे। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।